रामपुर शाहबाद के गांव पटवाई में डीएम के आदेश पर पटवाई कस्बे में बुधवार को अवैध रूप से कब्जों पर अतिक्रमण हटाने को जेसीबी लगातार 5 घंटे गर्जी। भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार राजीव मोहन सक्सेना की मौजूदगी में दुकानों के आगे लगे टीन शेड व अस्थायी टीन के खोखों पर जेसीबी चलवाकर सभी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम दुर्गा शंकर गुप्ता ने टीम का गठन कर पटवाई में अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे तहसीलदार राजीव मोहन सक्सेना, पीडब्ल्यूडी के सुनील वर्मा, नरेंद्र सिंह और पटवाई थाना प्रभारी शैलेंद्र गौतम ने अपनी पुलिस टीम के साथ पटवाई चौराहे से अतिक्रमण पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जब लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण पर जेसीबी को चलते देखा तब उस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जेसीबी को अस्थायी खोखों पर चलता देख बाकी लोगों ने जल्दी जल्दी अपने खोखे व टीन शेड्स को हटाना शुरू कर दिया। पटवाई में अतिक्रमण हटाने के लिए 2 जेसीबी तेजी के साथ अवैध अतिक्रमण पर चल रही थी। पटवाई चौराहे से शुरू होकर जौलपुर रोड से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद टीम जेसीबी को लेकर मिलक रोड पर पहुंची। मिलक रोड पर लोगों ने बड़ी संख्या में अवैध रूप से अस्थायी खोखे रखकर कब्जा कर रखा था। इन खोखों से पटवाई का प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर अतिक्रमण का अड्डा बन गया था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिखाई भी नहीं देता था। मिलक रोड पर अवैध रूप से रखे खोखे पर जेसीबी चलाई गई और ये सभी खोखे ध्वस्त कर दिए गए। बाद में शाहबाद रोड किनारे अस्थायी खोखे और टीन शेड पर जेसीबी चली। शाहबाद रोड से भी अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। इस दौरान पटवाई में लोगों की भीड़ जमा रही तो वहीं पर पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा। बहुत सारा हटा चुके हैं, जो भी है वो हटा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं सब। और क्या रोजी रोटी का सवाल है हमारा, जैसे भी हो हमने हटा दिया है। आप मेरा नाम मुकेश चंद्रवल जी, ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है, हम अपना सामान भैया बढ़ा रहे हैं। हमारी रोजी रोटी का रोजी रोटी का सवाल है, हमने साहब अपने कोर्ट खोल अपने अभी कर रहे हैं, अपने हाथ में छोड़ रहे हैं। जो आदेश दिया मंजूर, अच्छा जी प्रशासन का आदेश था, उसी के आदेश पर आपकी कहा? हाँ हाँ, प्रशासन के आदेश पर था, जो आदेश तहसील परिषद से मिला है उसी आदेश पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक्चुअली ये रोड के किनारे एक तालाब है जिसपे बहुत लोगों ने अपने खोखे रख के अतिक्रमण कर रखा था और तालाब के जल संचयन में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, इसलिए उस पर अतिक्रमण जो भी हटवाया जा रहा है।